हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम इसे क्लिप्स के होम थिएटर के अंदर ब्लूटूथ सिस्टम करेंगे और इसका पीछे वाला वॉल्यूम भी खराब है, इसको भी हम ठीक करेंगे आज। तो हम लगाते हैं, इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन कर दिया, इसे स्टेट बाई मोड से ऑन कर देते हैं और ये हमें यूएसबी है, इसमें चला के देखते हैं। ये यूएसबी हमने चला दी, इसका क्या हो रहा है फ्रेंड्स? ये बटन खराब हो गया है, कम हो रहा है, बेस फुल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बेस और इसको बेस का स्विच भी सही करेंगे और इसकी जो ब्लूटूथ आईसी भी लगाएंगे। तो इसमें ब्लूटूथ बोर्ड चेंज करना है हमें, तो हम इसे पहले खोल लेते हैं, डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे खोल लेंगे, पीछे से पैनल को खोल लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। इस बोर्ड में हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को खोल लेंगे। इस बोर्ड में से पहले इसको स्विच को खोल लेंगे। ये भी फ्रेंड्स अंदर को चुका है, टूट चुका है। तो हम इसके बोर्ड में साधन ही पूरा खोलना है, ऐसी वाइट सी फिटिंग फिटिंग टूटनी नहीं चाहिए। ये फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, टूट चुका है फ्रेंड्स। ऐसे इसकी जगह हम दूसरा पोटेंशियल मीटर लगाएंगे। ये रहा, ये वाला पोटेंशियल मीटर लगाएंगे। डबल डोर वाला है लेकिन हमें सिंगल टोन ही यूज लेनी है। 100 का है ये, 15 के का है। हम पहले वाले पोटेंशियल मीटर निकालेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे बिल्कुल सावधानी से। ये टोन वाला हम 3 इंच के अंदर लगा देंगे। बार बार अड़ेंगे कास्टिंग, यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देंगे। इसे सोल्डरिंग कर देंगे वापस, हम सोल्डरिंग आएंगे साथ में। इसके साथ में देखेंगे जिससे इंडिया एक दूसरे को टचना है। हमने इसको तो लगा लिया वोल्टमीटर को, अब यह क्या करेंगे, वोल्टेसीमीटर लगा लिया हमने, इसकी पिन को लगा देंगे और हम इसे ऑन करेंगे। ये पिन रहेगा हमारा, स्टैंड बाय मोड से हम हटा देंगे। पोटेंशियोमीटर सही हो गया, अब हम इसमें ब्लूटूथ सिस्टम करेंगे। तो इसके लिए हमें आगे वाला बोर्ड खोलना पड़ेगा, तो मैं आपको इसकी पिन निकालता हूँ। पहले इसके बोर्ड को यहाँ से हटाता हूँ, इसके वायरों को, ये मैं सब ऊपर के वायर हटाता हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसको बोर्ड को रख देंगे साइड में, एक बार देंगे हम बोर्ड। इस होम थिएटर को हम क्या करेंगे, इसके बॉक्स को हम आगे से खोलेंगे, केबल बनता है। तो यहाँ से हम इसे पेचकस को सही करेंगे, यहाँ से खोलेंगे, अब से हम नीचे से खोलेंगे। पहले खुला हुआ है, यहाँ पर हम बोर्ड चेंज करने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम इस बोर्ड को दूसरा बोर्ड लगाएंगे यहाँ पर, इसमें हम ये वाला पैनल नहीं लगाएंगे। ये वाला पैनल लगाएंगे तो हमें यूएसबी का वापस तार इसमें अटैच करने पड़ेंगे, इसको बहुत दिक्कत हो सकती है। इसे हम आगे लगाएंगे तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसमें लगाएंगे डिस्प्ले में। तो हम ऐसा ये कार्ड लगाएंगे, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला कार्ड हम लगाने वाले हैं। इसमें हम इस बोर्ड को खोलेंगे, पहले इस बोर्ड को हम खोल लेते हैं। इस बोर्ड को हमने खोल लिया, हमने इस बोर्ड को, इस बोर्ड में ब्लूटूथ लगाने की कोई जगह नहीं। इस बोर्ड को हम निकाल देंगे इस बोर्ड में से, यहाँ पर हम लगाने वाले इस बोर्ड को।
हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, इसे 5 वोल्ट देंगे और यहाँ से हमें इनपुट इसका आउटपुट मिलेगा, ऑडियो गेट का आउटपुट मिलेगा जो इसके इनपुट में लगेगा, इसके 20-30 आईसी वाले बोर्ड में इनपुट में लगेगा और जो इसके सेंसर के वायर लगे हुए हैं और हमारे इसके वो स्विच के वॉल्यूम के वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस और मोड का स्विच का बटन लगा हुआ है और इसमें सेंसर के वायर लगा रखे हैं हमने पहले जो रिमोट के लिए होते हैं और इसमें 5 वोल्ट से ऑपरेट होगा ये कार्ड हमारा, तो इसे 5 वोल्ट सप्लाई देंगे और उसके बाद में हमें इसमें यूएसबी लगाना, पैनल लगाना, तो इस यूएसबी पैनल के लिए हमें 4 तार चाहिए होंगे तो इसमें से लगाएंगे हम। हम आपको बताएंगे यूएसबी ये प्लस वाला है, ये ग्राउंड माइनस हो गया, ये डी प्लस है, डेटा प्लस, डेटा माइनस इसमें से ट्रांसफ़र होता है और ये इसमें लग जाएगा। और रही बात हमें क्या करना है, इसका मोड वाला स्विच ये प्लस का रहेगा और ये माइनस, ये प्लस रहेगा और ये प्लस, इसमें हमें एक ग्राउंड वायर लेना है, ये ग्राउंड वायर को हमने इसके साथ और इसके साथ, इसके साथ स्विच में लगाना है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा पूरा वीडियो। इसको तो हम रख देंगे साइड में। क्या करेंगे पहले इस बोर्ड की वायरिंग के लिए हमें स्विच चाहिए होंगे, कोई स्विच नहीं है तो मैं इस स्विच को यूज में लूँगा, ये हमारे पास पड़े हुए हैं पुराने सेटअप बॉक्स में से, उसके स्विच का तो हमें 3 स्विच सेट करने हैं, हमें इसके लिए 3 स्विच सेट करने के लिए हमें यहाँ पर लगाना होगा ऐसे कुछ, हमें इसे यहाँ से कुछ सेटअप करना होगा इसका, मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ और ये स्विच का हमें ऐसे लगाना है और इसमें इस 3 स्विच मिला लेंगे इसे और यहाँ पर 2 स्क्रू कस देंगे हम, इससे हमारा स्विच का काम बन जाएगा, इसमें लिपस्टिक से भी चिपका सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके 3 स्विच निकालेंगे, ये 3 स्विच इसमें से निकाल जाएगा और हम इसके एक साइड के वायर को ग्राउंड कर देंगे, हमने इसकी सारी ये इधर नेगेटिव कर देंगे और इधर पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे इसमें ग्राउंड कर देंगे इसको एक साइड में इसकी, और इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। इस पैनल के जो हम में वायर है, ये मोड का भी स्विच है, ये मोड का स्विच हमें बीच में लगा देंगे इसके वायर को, और जो वॉल्यूम प्लस का है, ये वॉल्यूम प्लस का रेड वायर है, ये रेड वायर को प्लस को ऊपर लगा देंगे और ये हमारे सेलेक्टिव वायर है, सेलेक्टिव वायर को ऊपर लगा देंगे हम इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। इसको लगाते हैं, इसकी वायरिंग कर लेते हैं पहले। ये प्लस का वायर है और ये स्विच नेक्स्ट का वायर हो गया और ये प्रीवियस का वायर हो गया, ये मोड का बटन हो गया और ये इसका हमें इसमें ग्राउंड देना है, तो ग्राउंड हमें इसमें ब्लैक में से इस जा रहा है, इसके ग्राउंड इसके साथ कलेक्ट करेंगे हम ग्राउंड को और इसको हम पैनल को यहाँ लगा देंगे और ये हमारे इसके सेंसर के वायर हो गए और ये हमें इसके स्पीकर के हैं और हम इसको इस पैनल के जहाँ पर चिपकाएंगे ग्लू गन लेंगे हम, ग्लू स्टिक जिससे हम इसे को चिपकाएंगे। पहले हम इसे चेक करके देखते हैं कहाँ पर लगाना हमें इसे, इसे बीचों बीच में लगाना है। हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसको यहाँ पर लगा दिया, इसके सेंसर को भी हम यहाँ पे चिपका देंगे, सेंसर को हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, सेंसर को यहाँ लगा देंगे, ग्लू तो लगा लिया हमने, इसको हम यहाँ से कस देंगे, इसे स्विच को हम दिला देंगे यहाँ पे दोनों साइड बटन पे, यहाँ पे हम स्विच यहाँ पे बोल्ट लगा देंगे, यहाँ पे ग्लू लगा देंगे, इस पैनल को खोल लिया, इस पैनल में हमें ये पिन हमारी कैसे लगेगी, तो हमें वहाँ पर देखा था पहले, हमने बोर्ड लगाया था तभी मैंने ये वाला इधर वाला हमने प्लस देखा था, यहाँ के नीचे कॉर्नर वाला ये प्लस देखा था, ये हमारा प्लस हो गया, डॉट डॉट वाला ये प्लस हो गया था और ये डी प्लस हो गया, डी माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, नेगेटिव वायर हो गया ये प्लस और ये नेगेटिव। तो प्लस वाला हम क्या करेंगे, प्लस वाला जो हमें दिख रहा होगा, जो प्लस वाला वायर है वो किसी भी
बॉडी के साथ टच नहीं होगा, ये प्लस वाला वायर हो गया हमारा, ये नेगेटिव पूरे बॉडी के साथ टच है, तो प्लस वायर वायर हम यहाँ लगा देंगे, वायर हम यहाँ लगा देंगे। D माइनस वाले उनको बीच इसका वायर हम यहाँ लगा देंगे, ये वायर लगा दिया हमने, इसमें क्या करेंगे ग्लू लगा देंगे हम यहाँ पर, जैसे ये वायर लेने तो हम यहाँ करेंगे ऊपर लगा देंगे इसको पैनल को वापस यहाँ पर, और यहाँ पे हम इसके नीट लगा देंगे वापस। और हमने इसको कस दिया, और ऐसे ब्लैक वायर हमें ग्राउंड है, ये ग्राउंड ब्लैक वायर इसके साथ अटैच कर देंगे, और ये हमारे 5 वोल्ट सप्लाई देनी पड़ेगी इस बोर्ड को, इससे हम 78.05 से भी दे सकते हैं, और इसकी वायरिंग हम इस बोर्ड के साथ करेंगे। इसमें भी वायर दिए हुए, तो हम क्या करेंगे इसको तो हम निकाल देंगे पिन को, इस पिन को तो निकाल देंगे हम बाहर, और दूसरी पिन लगाएंगे को इस बोर्ड को साइड में रखेंगे हम चेक्टर को, और अब हम इसको साइड में रखेंगे, ये हमारा बोर्ड हमें इसको इनपुट देना है, तो इनपुट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रहा हमारा जो बोर्ड, मैं आपको जमीन करके दिखाता हूँ, ये रहा हमारा, हमें क्या करना है इसमें 5 वोल्ट का वायर प्लस जहाँ पर हम ये लगा देंगे पॉजिटिव वायर, और अब हम इसमें तो ऑडियो इनपुट के लिए लगाएंगे वायर, ये ग्रीन वायर देगा इसका ऑडियो, और ये लेफ्ट, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये बोर्ड का ये ग्राउंड हो गया हमारा, ये नीचे ग्राउंड आ रहा है एंटीना के नीचे, फोन नंबर पिन पर है 2 3 4, ये 4 नंबर पिन पर ग्राउंड है वापस, तो 4 नंबर पिन पर हम वापस ग्राउंड लगाएंगे, ग्राउंड को हमने ग्रीन कलर से शो कर दिया है, उससे हमें पता रहे ग्राउंड ही है, और इस ये वॉल्यूम के वायर जा रहे हैं हमारे इसमें, देखो ये हमारा वॉल्यूम का लगा हुआ है, इसी जगह पर हमारी ये लगी हुई है रजिस्टेंस, हम क्या करेंगे ये वॉल्यूम के वायर आ रहा है, एक ये वायर है और एक ये वायर है, यहाँ पर लगाए हम या ये यहाँ पर लगाए, दोनों में से जगह पर लगा सकते हैं, तो हम यहाँ लगा लेते हैं, तो यहाँ लगा लेते हैं वायर, ये देखो हम बताते हैं आपको, ये बोर्ड को मैंने ऐसे कर दिया, जूमिंग कर देता हूँ बोर्ड को, ये देखो यहाँ पे 5 वोल्ट का हुआ है, ये ग्राउंड हो गया इसका रेगुलर ट्राइसी का, और ये एंटीना का वायर हमने छोड़ दिया, ये हमारा इनपुट हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और ये ग्राउंड हो गया, ये इनपुट हो गया लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला इनपुट हो गया, और ये हमारे ऑक्स के लिए जो हमें ब्लूटूथ वाला पैनल लगा रहे हैं, बॉक्स की जरूरत नहीं, तो हम इसके वायरों को एक साथ कर लेंगे, टच होने का डर लगता है इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है यहाँ पे कस देंगे बोर्ड, यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे, इसको फिट करेंगे हम, पर इसको हम पहले स्क्रू लगाते हैं, यहाँ पर भी हम लगाते हैं, नीचे लगा दिया हमने, इनको हम तेल से लगा देंगे, देखिए थोड़ा इधर उधर ही लेंगे, ये लेंगे ये पिन को निकालेंगे यहाँ से, कटेंगे इसको, इसको भी हमें इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, हम इसको ग्लू स्टिक से चिपकाएंगे यहाँ, हम क्या करेंगे इसे इससे पहले इसमें सब ऊपर के वायर लगाएंगे, ऊपर की पिन लगाएंगे, और इसमें इसमें मैं यहाँ से इसके आर पार आगे ले जाऊंगा,
से कस देंगे। इसके बाद हम ऑडियो वाला पैनल लगा दिया, इसमें इतने इतने बटन बचेंगे हम इसमें। ये हमारे पैनल के वे 5 वोल्ट और ये हमारा ग्राउंड वायर हो गया और ये पॉजिटिव वॉल्यूम का और राइट वॉल्यूम का। इसके लिए हम इसे तार को सिलेंगे पहले। ये 3 वोल्ट में लिया है और इसको ऑन कर दिया हमने होम थिएटर को। इसमें 5 वोल्ट होना चाहिए, इनके वायर हमें जब से निकालें ये 5 वोल्ट आ रहा है और ये वोकल की आवाज़ हमें आनी चाहिए। ये हमें आ रही है, थोड़ी हमिंग आ रही है। करेंगे इस पैनल की वायरिंग करते हैं हम पहले। तो ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट पहले प्लस का वायर प्लस में लगा दिया, नेगेटिव वायर में नेगेटिव में लगा दिया। और इसकी जो इनपुट है ये हमारा इसका बीच वाला ग्राउंड है, येलो कलर का ग्राउंड है इसका पैनल का, इसका ग्राउंड ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे। हमें वायरों में कंफ्यूजन नहीं है ना, ग्राउंड में ग्राउंड लगाना है हमें, कोई सा भी कलर के हमें इससे कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। ये हमारा येलो कलर ग्राउंड है, इसमें इसमें ग्राउंड का ये लगा दिया और ये हमने लेफ्ट लगा दिया इसका और ये हमने इसका राइट लगा दिया। हम टेप से कवर कर देते हैं इस चारों वायरों को, इसकी टेप लगा लेते हैं पहले, इसके पॉजिटिव वायर लगाते हैं। इसमें ग्लू लगा दिया हमने इधर और इसको यहाँ से पैनल ओपन कर देंगे यहाँ आगे से। पीछे वाला पैनल खोलेंगे, इसमें हमें यहाँ पर ग्लू लगाना है इसके, तो हम इसको वापस खोल लेंगे एक बार। इसको सूखने देंगे हम फ्रेंड्स 5-10 मिनट। ये सेम कसेंगे अब इसको, इसके बोल्ट कस देते हैं हम। इसे हमने ऑन करते हैं, कस तो दिया हमने बोल्ट इसको, ये पिन लगाते हैं ऑन करते हैं। Play by USB drive. All right. इसने रोक दिया हमने, रिमोट भी वर्क कर रहा है। इसमें आप ट्विटर स्पीकर भी चला के दिखाते हैं आपको, लेते हैं इसके दोनों ट्विटर स्पीकर लगाते हैं हम इसके, दोनों को हमने इसमें लगा दिया पिन में और इसमें लगा दिया हमने रिमोट से हम इसे ऑन करते हैं। Listen to over 90 million. Yeah.
Show.